झांसी के मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की दम घुटने और जलने से मौत हो गई है। लेकिन क्या राजधानी के अस्पतालों ने इस पूरी घटना से कुछ सीखा है या नहीं, इसकी पड़ताल करने आज तक ग्राउंड जीरो पर है। उस वक्त जिस वक्त अग्निशमन विभाग लखनऊ ने 605 अस्पताल उसकी जांच में ऐसे पाए गए हैं जो मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, 80 की हालत बेहद गंभीर है, 80 अस्पतालों को नोटिस तक थमा दिया गया है कि वो तैयार नहीं हैं, अगर आग लग जाए तो जलकर खाक हो सकती चीज़ें, उसकी पड़ताल करने हम शुरुआत कर रहे हैं लखनऊ के हज़रतगंज चौराहे स्थित सरकारी अस्पताल झलकारी बाई से, जहाँ नवजात शिशु के लिए अलग वार्ड बने हैं और महिलाओं का कुल मिलाकर यह अस्पताल है। ज़्यादा भीड़ यहाँ इसलिए भी होती है, अगर आप पार्किंग देखें, आज रविवार है, उसके बाद भी आप अगर पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर देखें तो बाहर तमाम गाड़ियाँ आपको खड़ी मिलेंगी। इस तरह के हालात में एम्बुलेंस किस तरह से यहाँ तक आएगी भीड़ भाड़ में, ये एक अपने आप में सवाल है। इसके अलावा अब हम अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे आपको, समझेंगे कि क्या यहाँ पर फायर को लेकर सारे इंतजाम हैं, क्या मानकों का पालन यहाँ किया गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ एंट्री का एक गेट है, यानी कि जो फायर डिपार्टमेंट के मानक हैं उसके मुताबिक एंट्री और एग्जिट के दो गेट होने चाहिए, जो यहाँ नहीं है। यहाँ केवल एक ही बाहर गेट बना है, यहीं से आप बाहर जाइए और यहीं से आप अंदर आइए। हम चलकर पता करेंगे, देखेंगे कि क्या यहाँ पर फायर के जो रूल्स हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं। तो चलिए हमारे साथ, देखते हैं क्या है यहाँ पर माहौल। जी साहब, से परमिशन ले ले तो आप इंटर करेगा पूछिए। तो आप देखिए, यहाँ पर हम जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमको रोका जाता है और कहा जाता है कि साहब से परमिशन ले लें, फिर आपको बताएंगे। तो हम यहीं इंतज़ार करेंगे साहब की परमिशन का और फिर दाखिल होंगे इस अस्पताल के अंदर। तो झलकारी बाई में यहाँ की हेड जो हैं उनसे फ़ोन पर वार्ता के बाद हमको यहाँ एंट्री मिलती है। हम यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर आप देखिए एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है जिसमें कि लिखा हुआ है कि 2025 तक ये चलेगा, यानी कि एकदम हालांकि काफ़ी नया ये पेस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यह एक या दो दिन पहले लगाया गया है। तो ये तो खैर दिखाई पड़ रहा है, हालांकि इनका दावा इन लोग का है यहाँ पर कि ये पहले का लगा हुआ है। तो ये आप लोग कब से लगा हुआ है? ये तो पहले से ही लगा हुआ है, बाकी हर साल इसकी रिफिलिंग होती रहती है इसकी। तो कितने टोटल ऐसे लगे हैं यहाँ पर? ऐसे 30 लगे हुए हैं। 30 लगे हुए हैं, एक दो और दिखा देंगे। देखते हैं, एक तो जैसे ये लगा हुआ है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं, सामने एक देख रहा हूँ मैं, ये आप देखिए कैमरामैन रोहित दिखा रहे हैं आपको, ये है इनके पास एग्जिट के नाम पर चीज़। अब दिखाता हूँ तस्वीर आपको, इतना पानी है, मच्छर हैं, अस्पताल है, मच्छर आप समझ सकते हैं गंदगी किस तरह की है। यहाँ पर बोरे पड़े हुए हैं, सामने एक गेट है जो बंद पड़ा हुआ है, यानी कि अगर यहाँ आग झलकारी बाई में लगती है तो किस कदर पेशेंट्स यहाँ से भागेंगे, पेशेंट्स छोड़िए डॉक्टर्स किस तरह से भागेंगे वो समझिए क्या हालत है। एग्जिट के नाम पर यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब आप आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है फायर ऑफिसर नहीं है, ये सभी लोग हैं यहाँ दिन रात मेहनत करते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं, पेशेंट्स आते हैं, तमाम यहाँ पेशेंट्स आप देख रहे हैं जो उम्मीद लगाकर अस्पताल में आते हैं कि वो उनकी तबीयत ख़राब होगी तो वो सही हो जाएंगे, उनकी सुरक्षा अस्पताल की जिम्मेदारी है। लेकिन सुरक्षा के नाम पर क्या है वो आप देखिए। कुछ फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर यहाँ लगे हुए हैं जिनका डेट आपको ऐसा लग रहा है कि एकदम नया नया अभी लगाया गया। एग्जिट के नाम पर क्या है वो आपने देखा, बाहर की तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं किस कदर से यहाँ बाहर है। ऊपर भी आप देखिए यहाँ से वाटर कूलर वगैरह यहाँ लगे हुए हैं। हालांकि घटना के बाद कई ऐसे इंतजाम किए गए आनन फानन में जिससे चीज़ों को साफ़ सुथरा किया गया, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर मानक नहीं पाए जाते हैं। फायर ऑफिसर फिलहाल इस अस्पताल में नहीं है जो कि होना चाहिए। और एग्जिट के नाम पर क्या है वो हमने आपको दिखाया, अब हम चलेंगे कुछ और अन्य अस्पतालों में, देखेंगे कि वहाँ हैं क्या फायर से बचने के इंतजाम। चलिए हमारे साथ। तो अब हम आ गए हैं वीरांगना अवंती बाई महिला चिकित्सालय, यानी कि लखनऊ का प्रसिद्ध डफरिन अस्पताल, जहां पर 24 घंटे प्रसव सेवा उपलब्ध रहती है। उसके पहले इमरजेंसी भी लिखा हुआ है, यानी कि ये व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। एक और बोर्ड दिखा दें इससे पहले हम अपनी पड़ताल यहां शुरू करें, इसके ठीक बगल का बोर्ड, इसमें लिखा है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, यानी कि यहाँ पर सुरक्षा पहले है, बाकी सारी ही चीज़ें बाद में है। अब क्योंकि झांसी में घटना हुई है
झांसी में जिस तरह से नवजात शिशुओं की दम घुटने से आग लगने से मौत हुई है, सुरक्षा कितनी है जो दावा बोर्ड पर किया गया है वो देखने हम इस वक्त यहाँ पर हैं। एक होता है, आपने अक्सर देखा होगा, फायर एक्सटिंग्विशर जैसा बना होता है, उसी कलर का, रेड कलर का होता है, होज बॉक्स कहते हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये होज बॉक्स है। इसमें 100 मीटर का लंबा होज पाइप होता है, लेकिन अभी हम यहाँ अगर देखेंगे इसको तो ये हालांकि खुल नहीं रहा है, लॉक किया हुआ है, पूरी व्यवस्था लॉक किया हुआ है। इस तरह की व्यवस्था है, ये दिखाइए यहाँ पर, यहाँ पर लॉक किया है, यानी कि ताला लगा दिया है। जिन्होंने भी लगाया है बहुत ख्याल रखा है कि कोई इसे खोल ना पाए। अब दिलचस्प बात क्या है, खोलेगा क्यों इंसान जब शीशा ही नहीं है? भाई शीशा ही नहीं है तो यहाँ पर देखिए, इसको बढ़िया इन्होंने स्टोर रूम बना लिया है। अंदर एक कंबल रखा है, कुछ चार्ट्स पेपर रखे हैं, और होज जो 100 मीटर होज पाइप होना चाहिए, ये देखिए मच्छर हैं अलग अलग तरह के, ये आपको मलेरिया दे सकते हैं, इससे आपको डेंगू हो सकता है, यहाँ आइए और अलग अलग बीमारियाँ लेकर यहाँ से जाइए। ये सुविधाएँ इस अस्पताल में डिफरेंट में की गई हैं कि अलग अलग मच्छर जो घूम रहे हैं उनसे कटवाइए। इतना ही नहीं भाई, ठंड का टाइम है, बड़ा मुश्किल होता है कपड़ा सुखाना, एक बड़ा चैलेंज होता है, उसकी भी व्यवस्था यहाँ की गई है। जो होज बॉक्स, जो आग बुझाने के लिए पाइप इस्तेमाल आता है, उस बॉक्स को बना दिया है बालकनी। ये देखिए कपड़े जो हैं बच्चों के टंगे हुए हैं, वो टंगे हुए कपड़े आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। अब देखिए साफ़ सफाई, ये अस्पताल इतना ज़्यादा साफ़ है कि आपको लगेगा कि आप इतनी साफ़ जगह पर आ गए हैं। ये देखिए तस्वीर अगली, बाल्टी डस्टबिन जो है वो गिरा पड़ा है, अलग अलग प्रकार के मसाले यहाँ थूके गए हैं, थूक के निशान आपको जहाँ जहाँ कैमरा रोहित ले जा रहे हैं वहाँ वहाँ आपको थूके हुए का निशान नज़र आ रहा है। ऊपर देखिए लिखा है रैन बसेरा, ऊर्जा का संकल्प ले रहे हैं लेकिन सफाई करने में असमर्थ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा गंदगी किस तरह से फैली हुई है, और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि आप कैमरे की नज़र में हैं, पर हमारा कैमरा जब यहाँ पहुँचता है तब नज़ारे कुछ ऐसे होते हैं जो शायद ही चाहते होंगे ये लोग कि कैमरे के सामने आए। आइए कोशिश करते हैं, ये देखिए किस तरह से वायर्स यहाँ पर निकले हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं, गंदगी तो मैंने आपको दिखाई ही है। एक और मुझे सामने डोज बॉक्स दिख रहा है, उसको भी कोशिश करेंगे, ये वायर देखिए किस तरह से यहाँ निकला पड़ा हुआ है, हालांकि अटैच्ड है। एक और डोज बॉक्स हो सकता है इसमें डोज पाइप हो, जो कि होज बॉक्स, माफ़ कीजिएगा, होज पाइप हो, जो 100 मीटर लंबा होता है। इसको देखेंगे, ये पतंगबाजी भी यहीं होती है, ये भी दिखा दीजिए, पतंगबाजी भी की गई है, हालांकि जमघट गए समय हो गया है, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं। मुझे लगता है शायद एक होज बॉक्स में अगर कपड़े थे, दूसरे होज बॉक्स में शायद होज पाइप हो, जिससे कि अगर यहाँ आग लगती है तो व्यवस्थाएँ हों। इस होज पाइप, हालांकि ये बॉक्स खुला हुआ है, कोशिश करेंगे इसे खोल के कि इसमें क्या है। ये देखिए इसमें, तो ये देखिए, ये एक मग्गा पड़ा हुआ है, एक पैंट पड़ी हुई है, मलेरिया, डेंगू, अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के मच्छर आपको नज़र आ रहे हैं, और नीचे से ये पूरा खोखला है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये भी दिखाइए, ये पानी जो फैला हुआ है, कहते हैं ना स्टोर्ड पानी जो होता है, रुका हुआ पानी जो होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा डेंगू का खतरा होता है। अब डेंगू मलेरिया तो अपनी जगह है, लेकिन जब होज बॉक्स के ये हाल हैं, अस्पताल के अंदर अभी हम दाखिल नहीं हुए हैं, डिफरेंट के बाहर हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर शिशु जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ चश्म चिराग परिवार को मिलते हैं, वहाँ पर आँख से बचने की क्या व्यवस्था है, वो शायद यहाँ स्वास्थ्य महकमों के, उत्तर प्रदेश के देखना चाहिए। अब हम कोशिश करेंगे अस्पताल में अंदर दाखिल होने की और देखने की कि बाहर जब ये हालात हैं तो अंदर की क्या है तस्वीर, चलिए हमारे साथ। तो आइए अब हम चलते हैं डिफरेंट अस्पताल के अंदर, देखते हैं यहाँ पर क्या है इंतज़ाम। तो देखिए यहाँ पर आइए, आप अंदर आइए हमारे साथ, ये सुरक्षा गार्ड हैं, यहाँ सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है, दो गार्ड्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। फायर को लेकर यहाँ क्या कुछ अरेंजमेंट्स हैं? फायर के लिए सर ये सब लगे हुए हैं, कोई भी धुआं वगैरह इस पे आता है। हाँ, क्या लगा हुआ? ये देखो ये सामने जो है ये सब लगे हुए हैं, ये ऊपर क्या है, ये अलार्म, अलार्म फायर एक्सटिंग्विशर का है। ये सामने है सर इसमें, हाँ अलमारी के अंदर दिखाएंगे जरा। तो ये इनका दावा है कि फायर एक्सटिंग्विशर अंदर लगा हुआ है, आइए कोशिश करते हैं देखने की। ये एक अलमीरा है, उसके अंदर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, उसमें कपड़े रखे हुए, वो किसी मरीज ने या उसने किसी ने वो ढक दिए हुए, अभी हम उनको हटवा देंगे। 100 मीटर का होज वायर होता है, हाँ तो वो अभी किसी उसने रखे होंगे, वो हटवा नहीं, तो पाइप कहाँ है उसका,
नहीं कुछ नहीं, होज वायर जो पाइप होता है, होज पाइप वो भी नहीं है उसमें, कपड़े तो रखे हैं उसमें वो सब जो है जो भी उनके सिस्टम से होगा, फायर वालों ने उन्होंने लगाया होगा ना, तो उन्हीं के पास वो, हमें तो सुरक्षा कर्मी से वो होता है। नहीं नहीं, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी। मैं मेरा क्या है, हाँ वो दिखाइए वो जरा क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर है, हाँ फायर मीटर है, जरा दिखाइए। डेट क्या है, ये जो है 17/8/2025 तक ये वैलिड है। काफ़ी नया, कल ही लगाया गया है, कल ही लगाया गया? नहीं नहीं, डेट पे लगा होगा, इस वाली डेट पे लगा है, अभी पुराना है और डेट एकदम नया लगा हुआ है। नहीं नहीं, वो पहले से ही ऐसे ही जब से लगा तभी से लगा है। झांसी घटना के बाद तुमने लगा दिया? नहीं नहीं ऐसा, ठीक है। और आगे क्या है, और कितना फायर एक्सटिंग्विशर है? सब लगे हैं सर, देखिए सामने, आइए देखते हैं, चलिए सामने क्या चीज़ है, आइए आगे दिखाते हैं आपको। तो हालांकि ये सब गार्ड्स हैं, इनकी कोई इसमें वो नहीं है। एक और यहाँ पर लगा है, आ हा हा, आओ इधर आओ। तो यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर है, यहाँ फ़ोन चार्ज हो रहा है, यहाँ पर चार्जिंग का सेटअप लगा हुआ है, बढ़िया है, अच्छा है, चार्जिंग स्टैंड लगा है, बढ़िया है ना, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, कोई लगा ही नहीं, नहीं बढ़िया है, सही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, ये दिखा पाएंगे, मैं हट जाता हूँ, आप इधर दिखाइए। ये भी काफ़ी मुझे नया स्लिप लग रहा है, ये नीचे क्या लगा हुआ है इसके, इसको हटा के देखूँ मैं एक बार? नहीं वो पैसे क्या लगे भैया, हटना है एक बार, जब जब सिलेंडर लगा है उसी समय का लगा हुआ है। अच्छा, ये एक और स्लिप लगा है नीचे, ऊपर एक नया स्लिप लगा हुआ है, मैं हटाऊंगा नहीं, परेशान ना होइए। ये देखिए, ये जो है इसके नीचे एक स्लिप लगा हुआ है और इसके ऊपर एक नया स्लिप लगा है, जो कैमरामैन रोहित आपको दिखा रहे हैं कि जब झांसी की घटना होती है उसके बाद इस तरह के तमाम स्लिप्स ऊपर पार्ट दिए गए हैं, जिससे कि सच्चाई सामने ना आए। चलता है, दिखा पाएंगे? देखिए इसमें तो वहाँ का कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि उसका जो वायरिंग वो बाहर निकलने लग जाएगा। अच्छा, आप तो गार्ड हैं, आपसे क्या मतलब? नहीं, हम ही लोगों का काम बुझाने का है, आप ही लोगों का। मगर ये अगर चीफ एक फायर ऑफिसर होता है अस्पताल में? नहीं वो तो है वहाँ बैठे हैं, मगर मतलब कोई स्थिति में कोई हो जाए तो हम ही लोग हैं, बैठे हैं। हाँ होंगे, हाँ हैं, फायर होंगे पीछे, एग्जिट है यहाँ पे, कंट्रोल रूम, एग्जिट है यहाँ पे, एग्जिट अभी ये बता नहीं सकते साहब, मैं तो यहाँ ड्यूटी पे होना। नहीं नहीं, आपसे मतलब सवाल खाली, एग्जिट है यहाँ पे, हो सकते हैं वो सामने हमारे जो गार्ड बैठे हैं वो था। चलिए आइए सामने पूछ लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एग्जिट है क्या? नहीं नहीं नहीं, एग्जिट नहीं है। नहीं नहीं, आप यहीं पर कितने बार आए हैं? यहाँ, अरे यहाँ पाँच। नहीं, जैसे मैं एक सामने वाले गेट से आया हूँ, बाहर निकलने का वही गेट है या कोई और गेट भी है यहाँ? अरे वही गेट, एक ही बनाया ना, दूसरा नहीं है ना, दो हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर, ये पानी पीने की व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, एक तरह से पानी यहाँ आ रहा है, एक तरह से पानी यहाँ से लीक हो रहा है, निकल रहा है। तो एग्जिट गेट है यहाँ पे, आगे आगे नहीं है, मेरा ख्याल नहीं है, आगे नहीं है, बता रहे हैं। आइए एक और हम लोग को हॉज बॉक्स मिल गया, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है। वो दिखाइए, डिफरेंट का दिखा दिए एक बार, डिफरेंट चिकित्सालय और काफ़ी पुराना चिकित्सालय है, डेट भी लिखी है जब ये शुरू हुआ था। वाह, आइए हॉज बॉक्स नंबर 3, हम इस वक्त अस्पताल के ठीक बीच में हैं। आहा, यहाँ देखिए, हॉज बॉक्स कहूँ या स्टोर रूम कहूँ, एक शीशा टूटा है, फायर लिखा है, देखिए उस पर जूम करिए, वहाँ पे वो दिखाइए, वो फायर लिखा है, यानी कि तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये होता है हॉज बॉक्स, हॉज बॉक्स, और इसमें होता है 100 मीटर का लगभग पाइप। अब होता क्या है, शीशा यहाँ इसलिए लगा होता है कि इमरजेंसी के टाइम पर आप इस शीशे को तोड़ेंगे, शीशा टूटेगा, आप वायर निकालेंगे और फिर यहाँ पर आग बुझाएंगे। लेकिन यहाँ तो शीशा पहले से ही टूटा हुआ है, अंदर कुछ सामान रखा हुआ है, बाहर तो कपड़े टंगे हुए थे, खैर तो यहाँ पर भी कुछ दिखा रहे हैं आपको, ये दिखाते हैं आपको, देखिए सामने की तरफ चलिए। ये हालात हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सरकारी अस्पतालों के, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि झांसी में जो घटना हुई है वो किस कदर हुई होगी। ये गंदगी देखिए, हर जगह पानी फैला हुआ है, ये सब दिखाती है, ये देखिए ये हालात है यहाँ पर। आगे आइए, ये देखिए 4 नंबर, यानी कि हॉज बॉक्स तो खूब लगाए हैं। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार ने जब यहाँ पर ये सब चीज़ें करी होंगी तो पैसा सैंक्शन नहीं हुआ होगा, पैसा विभाग को पूरा सैंक्शन हुआ होगा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट उस वक्त रही होगी उसने पैसा सैंक्शन किया होगा और कहा होगा कि भाई सरकारी अस्पताल है, फायर के सारे इंतज़ाम करिए। विभाग ने भी उस वक्त पैसा सैंक्शन करके इस तरह के हॉज बॉक्स लगाए होंगे। लेकिन सवाल आता है मेंटेनेंस का, जो जिम्मेदारी होती है अस्पताल की, मेंटेनेंस क्यों नहीं हो पाई, सवाल ये है। 4th हॉज बॉक्स देखिए, यहाँ भी वही हाल है, फायर नहीं हुई है यहाँ पे, लेकिन शीशा टूटा हुआ है, शीशा पड़ा भी हुआ है, ये देखिए, ये है, ये देखिए, ये भी आधा टूटा शीशा पड़ा हुआ है।
ये हालत है, ये हालत है, ये है असलियत लखनऊ यानी कि राजधानी के जिला अस्पतालों की, जहां हॉज बॉक्स के नाम पर एक स्टोर रूम बना रखा है, जहां बाहर कुछ कपड़े टंगे हुए हैं, कपड़े पड़े हुए हैं, मच्छर घूम रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ये देखिए, ये है हॉज पाइप जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये होता है हॉज पाइप। ये देखिए, इसको मैं दिखाता हूँ आपको निकाल कर। ये देखिए, ये शीशा मैं इधर किनारे रख दूँगा और ये आपको दिखाऊँगा। ये देखिए कितने मच्छर साथ में निकल रहे हैं, ये हॉज पाइप है। हालत ये है कि ये किस कंडीशन में है इसका आप अंदाज़ा लगाइए। चौथे, ये देखिए कितने मच्छर इसमें हैं, मैं खुद भी दूर हो जाऊँ, मच्छर बहुत हैं यहाँ पर। तो कहानी कुल मिलाकर ये है कि चौथा हॉज बॉक्स आपको मैंने दिखाया, तीन हॉज बॉक्स देख कर आए, चौथे में हमको यहाँ पर पाइप नज़र आया। अभी पाइप वर्किंग कंडीशन में है नहीं है वो भगवान जानता है। यहाँ पर सेंसिटिविटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो चश्मो चिराग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका जन्म होता है। आप लोग यहाँ पर काम करते हैं या फिर आए हैं? आए हैं। यहाँ कुछ फायर वायर का है सिस्टम बचने अचने का? झांसी में उतनी बड़ी घटना हो गई, नवजात शिशु 10 बेचारे, जानकारी नहीं इसमें, नहीं है। तो गंदगी वगैरह भी बड़ी पड़ी हुई है। तो देख सकते हैं कुल कहानी यहाँ पर हमने आपको दिखाई झलकारी भाई की, और कैमरा मैन रोहित ने आपको तस्वीरें भी दिखाई। तो सामने भी मुझे कुछ दिख रहा है, एक और हॉज बॉक्स। आइए चलिए, आज ये पूरा फोकस डफरिन में मेरा हॉज बॉक्स पे है। बड़ा दिलचस्प है ये हॉज बॉक्स, देखते हैं इस हॉज बॉक्स पांचवे हॉज बॉक्स में क्या मिलता है। अभी तक बड़ी अत्याधिक चीज़ें मिली हैं, कहीं डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कहीं मच्छर मिले हैं, कहीं कुछ मिला है धकेलिए। तो आइए आगे चलते हैं। ये है पाँचवा, पाँचवा हॉज बॉक्स जो है ये है, और ये मुझे कुछ हद तक ठीक लग रहा है। कैमरामैन देखिए ज़रा, इसमें पाइप है कि नहीं है? यहाँ से मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ये पाइप दिख रहा है नहीं है? रुकिए मुझे भी देखने दीजिए, यहाँ पर पाइप है लेकिन हाँ, ये जोर कर, पाइप है लेकिन मुझे लगता है कि एकदम नई कंडीशन में है, यूज़बल नहीं है, पैक्ड रखा है। इस तरफ दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर यूज़ नहीं है अभी, ये एकदम पैक्ड रखा है। और हालांकि ये काफ़ी नया हॉज बॉक्स भी लग रहा है, इसका पुताई भी दिखा दीजिए। अब आपको मैं इधर से आइए, अब मैं कहानी दिखाता हूँ आपको, ये हॉज बॉक्स क्यों बच गया। अब ये पेशेंट्स भी कर सकते हैं, यहाँ के लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कोने में लगा था। पांचवा हॉज बॉक्स इस पूरे विभाग की जो बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, इसके कोने में लगा हुआ है, इसलिए ये हॉज बॉक्स बच गया, वरना शायद इसमें भी कपड़े टंगे होते। हालांकि बहुत बड़ा अस्पताल है, मैं और भी तस्वीर आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन इतना दिखा के केवल ये बताने की कोशिश है कि जब कंडीशन ग्राउंड पर यह है, तब अग्निशमन अस्पताल, अग्निशमन विभाग 80 अस्पतालों को नोटिस दे रहा है। अगर ये विभाग, ये कहानी राजधानी की है, अगर ये विभाग झांसी में भी समय रहते अस्पतालों को नोटिस दे देता, स्पेशली उस अस्पताल को जहां नवजात शिशुओं की मौत हुई, असमय मौत हुई, तो शायद ये दृश्य देखना ना पड़ता। पड़ताल जारी रखेंगे और चलेंगे कुछ और अस्पतालों में। डफरिन से जाते जाते हमको कुछ और हॉज बॉक्स दिख गए, तीन हॉज बॉक्स मेरी नज़र के सामने हैं, लेकिन किसी में व्यवस्था नहीं है, यानी कि किसी में वो 100 मीटर लंबा हॉज पाइप है नहीं, कुछ में है तो वो इस कदर पैक्ड है कि वो शायद ही निकल पाएगा। अब आप देखिए, सामने डेंजर है, सामने ट्रांसफार्मर लगा है, उसके सामने जो हॉज बॉक्स है वो ऑपरेशनल नहीं है। खतरा कितना ज़्यादा है, अगर यहाँ से आग उठती है तो किस कदर फैलेगी। कुछ सोच कर ही यहाँ पर 1, 2, 3 हॉज बॉक्स लगवाए गए होंगे, लेकिन वर्किंग कंडीशन में कितने हैं, बड़ा सवाल ये है। अब आप देखिए एक और हॉज बॉक्स, अब तक मैं 7-8 हॉज बॉक्स देख चुका हूँ, जिसमें से एक केवल ठीक मिला है, उसमें भी ऐसा लग रहा है कि पाइप एकदम नई, मतलब ऐसी हालत में है जिसको लगाने में शायद बहुत समय लग जाएगा। ये दिखाता हूँ मैं आपको, हाँ इसमें भी ये देखिए, इसमें हॉज पाइप पड़ा हुआ है, कुछ इस तरह से होता है हॉज बॉक्स। और आप देखिए एक और हॉज बॉक्स है सामने भी, अब आप इसके बाद दिखाइएगा, ये थोड़ा ठीक हालत में है क्योंकि ट्रांसफार्मर के पास लगा है, वहाँ दिखाइए, दो हॉज बॉक्स सामने जूम कर लीजिएगा यहीं से। तो देखिए दो जूम करके आपको हम दिखा रहे हैं, दो और हॉज बॉक्स। तो कुल मिलाकर डफरिन की कहानी जो है वो हॉज बॉक्स के इर्द गिर्द घूमती है। गंदगी जो है वो तो अलग से एक एड ऑन हाई है, अगर आप किसी जिला अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में आते हैं तो। ये पड़ताल आज तक की जारी रहेगी, हम और भी अस्पतालों में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना सुरक्षित हैं आप और कितनी सुरक्षित है व्यवस्था। अब हमने जब कैमरा खोला तो बाल्टी लेकर आए हैं यहाँ पर फायर को लगाने के लिए। आइए देख चलते हैं थोड़ा करीब इनके, अभी तक सब गायब थे, कोई कुछ नहीं था, झांसी की घटना तो हुई उसके बाद भी नहीं जगे, लेकिन जब आज तक का कैमरा यहाँ पहुँचा तब जो है कुछ लोग यहाँ पर वापसी से, देखिए यहाँ पर अब ये
फ्लावर पॉट लगे हुए थे, अब यहाँ फायर की बाल्टियाँ लगने जा रही हैं। ये हालत है, ये फायर के लिए बना होता है, जनरेटर रूम यहाँ लिखा हुआ है। ये क्या है, ये क्या लगा रहे हैं? बाल्टी है बालू के लिए। बालू, बालू ये आग पे बालू फेंकी जाती है, आग के ऊपर आग लगती है। बालू ये फ्लावर पॉट लगा हुआ है, ये तो आप हटा रहे हैं, वो लगा दिया तो उन्होंने बाल्टी सब हट गई हूँ, तो खराब हो गई, उन्होंने हटा दी होंगी बाल्टी। तो अभी तक क्यों नहीं लगी? अब उन्होंने कहा हटा दी तब आई लगी इन्होंने, बताया कि वो बाल्टी जाके दिया हो जाके, मैं तो देने आया हूँ बाल्टी यहाँ पे। आपका कोई कसूर नहीं, बहुत साफ से मैं नहीं कह रहा हूँ जी, आप मुझे कोई कहे तभी तो मैं लेके आऊँगा। ही बोला गया क्या जी? कैमरा देखते ही बोला गया आपको लगाने के लिए? नहीं तो बाल्टी लेके आप इधर, तो हम बाल्टी लेकर रखे हुए थे, अब लिए अब लगा वेट कर रहे थे। अब बैठ गया, अब देखिए ये हालत है। आइए आइए, लगाइए लगाइए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लगाइए लगाइए। इसमें जो है बालू भरी जाएगी, बालू से क्या होगा? बालू आग पर डालते हैं जैसे, हाँ आग लग दीवाली भी डालते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर तो अंदर लगे होंगे सर, मेरा ख्याल है। देखिए अंदर लगे होंगे, तो मैंने देख लिया, बहुत बढ़िया लगे हैं, हॉज बॉक्स ना, पाइप ही नहीं है मैक्सिमम में। अच्छा तो ये देखिए हालत है यहाँ पर। अब पहले यहाँ जो फ्लावर पॉट लगे हुए थे, इसे क्या बोलते हैं? बॉकेट स्टैंड है, फायर बॉकेट स्टैंड। फायर बॉकेट स्टैंड, इसको क्या बोलेंगे? ये बकेट से, फायर बकेट से बाल्ट। हाँ, तो वहाँ इसको क्या बताया आपने? ये स्टैंड है, फायर बकेट स्टैंड, फायर बकेट स्टैंड। तो देखिए फायर बकेट स्टैंड पर अब जो है फायर बकेट्स लगनी शुरू हुई हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि इन फायर बकेट स्टैंड पर इससे पहले लगे थे ये फ्लावर पॉट। तो क्या इरादा था यहाँ पर कि यहाँ फ्लावर पॉट की मिट्टी उठाएंगे और आग बुझाएंगे? तो खैर, उम्मीद है आज तक की इस पहल से, इस पड़ताल से समय रहते जागेंगे, व्यवस्थाएं सही हो, और कम से कम ये देखिए नई नई बाल्टियां रखी हैं यहाँ पर। कब से पैक्ड रखी हैं? पैक्ड हैं, कब से पैक्ड रखी हैं? अभी तो आई होंगी, अभी आए? नहीं सर, बाल्टी टंगी हुई थी, वो जंग खा गई थी, उसमें से बालू नीचे सब गिर गया था। झलकारी बाई डफरिन के बाद अब हम आ पहुँचे हैं लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी कि सिविल अस्पताल के PICU वार्ड यानी कि बाल रोग विभाग में। पड़ताल अपनी यहाँ भी हम जारी रखेंगे और पता लगाएंगे कि क्या यहाँ पर फायर इक्विपमेंट्स हैं, अप टू डेटेड हैं, और क्या अगर झांसी ऐसी घटना यहाँ होती है उससे बचाव के लिए यहाँ एडमिट बच्चों को बचाया जा सकता है या नहीं। चलिए मेरे साथ, अब हम बाल विभाग यानी कि बाल रोग विभाग में दाखिल हो रहे हैं पता लगाने कि क्या यहाँ फायर इक्विपमेंट्स हैं। अंदर आते हैं तो यहाँ पर लिखा है आप कैमरे की नज़र में हैं, और सामने एक आप देखिए तो फायर एक्सटिंग्विशर आपको नज़र आएगा, इसमें लिखा है अग्नि मल्टीपर्पस डेट। आइए देखें तो इसमें ईयर ऑफ MFG है 4/2024। तो फिलहाल ये तो ठीक लगता है, यानी कि ये काफ़ी नया भी लगता है, ये तो अप टू डेटेड है, लेकिन बाकी चीज़ें क्या अप टू डेटेड हैं या नहीं इसका भी पता हम यहाँ पर लगाएंगे आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर आपको एक यहाँ पर लगा नज़र आएगा। तमाम डॉक्टर्स भी हैं। मैम क्या कुछ आप लोग फायर से बचने के लिए यहाँ कर रहे हैं? अब देखिए ये हमारे पास सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है जी। और अगर ऐसे कोई हादसा होता है तो हम लोग को ट्रेनिंग भी दिया गया है, अलार्म बजेगा पता चल जाएगा, एक अंदर हमारा सिलेंडर एक बार लगा हुआ है। अच्छा, अलार्म्स कहाँ लगे हैं? अब अलार्म कुछ ये लगा हुआ है ये इस तरह के अलार्म्स होते हैं, यानी कि जब आग या धुआं होता है तब ये बचते हैं। हाँ, तभी बचते हैं, अपना बजेगा उसके बाद हम लोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि बचाव के लिए क्या करना है। आपको कुछ तरह की ट्रेनिंग दी गई है? किस तरह की ट्रेनिंग दी गई आपको? नहीं, वो फायर से देखिए सबको दी गई है कि नहीं, मैं तो लोहिया में थी, वहाँ भी मैंने किया है और झलकारी बाई में भी किया है, यहाँ भी एक दो बार हुआ है कि फायर से कैसे वो किया जाएगा। कितने फायर एक्सटिंग्विशर्स मैम है यहाँ पे लगभग? क्या चीज? फायर के कितने इक्विपमेंट्स लगे हैं यहाँ पर? ये सिलेंडर बस दो लगा है, एक बार चल के दिखा सकते हैं वहाँ पे? हाँ, ये देखिए यहाँ पर नहीं कुछ चीज़ें हैं जो हम जहाँ कैमरा नहीं ले जा सकते हैं वहाँ नहीं ले जाएंगे, वेंटिलेटर की तरफ कैमरा नहीं जाएगा, लेकिन जो फायर को लेकर व्यवस्था है वो केवल दिखाएंगे। ये आप देखिए चाइल्ड वार्ड है जो बच्चों का, वहाँ आए हैं और यहाँ पर एक सिलेंडर पाया जा रहा है। ये तारीख अगर आप देखें तो ये डेट ऑफ टेस्टिंग है 21/2, मतलब पिछले साल का नवंबर। डेट ऑफ क्या है ये? रीफिलिंग, ओके रीफिलिंग है, ये हो गया। नेक्स्ट ड्यू डेट इज़ 21/11/2024, नवंबर चल रहा है, हालांकि 21 तारीख अभी नहीं आई है, तो इसका दोबारा जो चेक होना है वो जल्दी ही चेक करते हैं जी, आएंगे वो खुद चेक करते हैं इसके लिए। हाँ,
और जो अलार्म्स होते हैं ऊपर वो किधर लगे हुए हैं? अब वो तो उसका सिस्टम तो अभी डायरेक्टर सर से शायद बात हो रही थी जी कि बंद है कुछ है वो लोग कर रहे हैं प्रक्रिया। सामने की तरफ क्या है मैम? सामने की तरफ क्या है? आइए चलते हैं सामने। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो फिलहाल चीज़ें अपग्रेडेड है, यहाँ सिलेंडर्स भी लगे हुए हैं और यहाँ के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी दी गई है जी। किस तरफ मैम, यहाँ पे क्या है सामने? ऊपर आपका जो है चिल्ड्रन वार्ड ओपीडी, ओके, उसके ऊपर बच्चों आप चलेंगे ऊपर हमारे साथ? आगे बार चलेंगे हमारे साथ कहाँ ऊपर तक? नहीं नहीं, ऊपर ही खाली। आइए चलिए लिफ्ट चलते हैं। अब हम ऊपर दाखिल होंगे और देखेंगे कि आखिर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि झांसी जैसी घटना जब होती है उसके बाद कितने तैयार अस्पताल हैं वो भी एक बड़ी चीज़ है। तो चलकर देखते हैं ऊपर कि क्या है यहाँ की तैयारियाँ। सामने भी देखिए, सामने ये पाइप्स लगे हैं, ये हॉच बॉक्स वर्किंग है, ऑपरेशनल है ये फायर बॉक्स? हाँ हाँ हाँ, हाँ। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक पास लगा हुआ है, यानी कि अगर कोई नया व्यक्ति भी आएगा तो ये देखेगा, पुल द पिन, एम लो, स्क्वीज द हैंडल, स्वाइप फ्रॉम साइड टू साइड, ये पूरा पाइप है, इस तरह की व्यवस्था होती है। और उसके अंदर भी एक पाइप लगा है जो कि सप्लाईज की पानी की टंकी से सीधे जुड़ी होती है, ये पानी की टंकी से उसकी सप्लाई जुड़ी होती है। देखिए अंतर देखिए आप, हमने जो तस्वीर आपको दिखाई थी डफरिन में जहाँ हॉज बॉक्स खराब पड़े थे, वहीं यहाँ सिविल अस्पताल में ये ठीक हालत में है। तो कहानी कुल मिलाकर ये है कि व्यवस्थाएँ यहाँ ठीक है और इस तरह के होते हैं हॉज बॉक्स, ना कि उस तरह से जहाँ वहाँ पर आपको कपड़े टंगे हुए मिले थे। आगे भी चलेंगे और दिखाएंगे अन्य तस्वीरें। आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि ये पूरा हम उन्हीं जगहों पर जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं यहाँ हम बाल रोग विभाग पर, और देखिए यहाँ पर सिलेंडर्स रखे हुए हैं। एक बात ये भी है कि पहले शायद विभाग सोया रहता है और फिर जब मौका आता है तब नए सिलेंडर्स यहाँ लाए जाते हैं। इसमें भी जो तारीख है ये 2025, यानी कि ये अभी नया लगाया गया है। जो भी कंपनी है, ये कंपनी आपको झलकारी वैली में भी दिखी थी, और यहाँ पर नई स्लिप्स लगाई गई हैं। अभी इस रिफिलिंग्स की हुई है, चेक हुआ है, ये अपने आप में सवाल है। यहाँ जो आप देख रहे हैं यहीं पर ये सिलेंडर्स लगाए जाते हैं जी, और जिन फायर अलार्म्स की हम बात कर रहे हैं वो फायर अलार्म्स ऊपर लगे हुए हैं। ये वो फायर अलार्म्स होते हैं जो कि जब आग लगती है, धुआं उठता है, तो वो बजते हैं। ये कुल मिलाकर देखिए एक दो फायर अलार्म्स देखिए, यहाँ पर आपको तीसरा भी शायद लगा है जी, तीसरा यहाँ लगा है, अंदर कमरों में भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी आपको फायर अलार्म मिलेगा। एक फायर अलार्म बताया गया था यहाँ पर डैमेज्ड है, अब वो हमें नहीं पता। अच्छा ओके ओके, तो फिलहाल कुल मिलाकर आप अगर तस्वीरें दिखाते हैं कैमरा में आपको दिखा रहे हैं जी जी, 2 बजे बच्चों का ओपीडी है ये। ओके, तो फिलहाल बाकी हॉस्पिटल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ की तस्वीरें कुछ बेहतर ज़रूर नज़र आती हैं। हालांकि ये फ्रेशली इंस्टॉल्ड सिलेंडर्स हैं जिनको भी लगाया जाना है, उसको लेकर भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस पूरे रियलिटी चेक का मतलब केवल इतना था जिससे विभाग को, अस्पतालों को एक बार फिर अलर्ट किया जा सके, जिससे कि झांसी जैसी घटना दोबारा ना हो। और इस बीच में जब अग्निशमन विभाग 80 अस्पतालों को नोटिस देता है, उसके बाद कितने सजग अस्पताल लखनऊ के या यूपी के हैं उस पर भी नज़र रखनी ज़रूरी है। तो बच्चों के वार्ड में हमने सिविल अस्पताल में आपको दिखाया कि नीचे जिस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं। अब हम यहाँ के दूसरे फ्लोर पे आए हुए हैं, तो कुछ जो अलार्म, जो फायर अलार्म्स हैं वो डैमेज्ड हैं। अगर आप ऊपर की तरफ वहाँ देखेंगे तो कुछ ऐसे फायर अलार्म्स भी हैं जो डैमेज्ड हैं। हालांकि ये अस्पताल के लोग कह रहे हैं इसको रिपेयर कराने के लिए उन्होंने नए ऑर्डर्स दिए हैं, जैसे ही ऑर्डर्स आएंगे इनको दोबारा रिपेयर किया जाएगा। एक ये है, एक कैमरामैन संजय आपको पीछे का दिखाएंगे उसके ऊपर का, तो दो फायर अलार्म्स यहाँ पर डैमेज्ड हैं, यानी कि अगर यहाँ आग लगती है तो यहाँ पर सायरन बजने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो हैं उनको दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है नोटिस के बाद भी, और सरकार लगातार कह रही है जहां भी कुछ कमियां हैं, एक हफ्ते का समय दिया गया है अस्पतालों को, जिसके समय रहते यहां पर चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा, जिससे झांसी जैसी घटना दोबारा ना हो पाए। एक फ्लोर और ऊपर चलते हैं और देखते हैं तस्वीरें इसके ऊपर के फ्लोर की। दो फायर अलार्म्स के बाद अब हमारी नज़र पड़ती है यहाँ बने एक और अलार्म पर। ये आपने देखा होगा कई बिल्डिंग्स में लगा होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आग लगती है आपको इसका ब्रेक ग्लास में लिखा हुआ है, यानी कि शीशा तोड़िए और रेड बटन को दबाइए। लेकिन अब ये पहले से ही जब टूटा है, तो अगर मैं देखिए ये शीशा है, क्या रेड बटन दबेगी? बहुत मुश्किल है। और ये रेड बटन जो इसकी है वही दीमक खा गई है या डैमेज, आप देख सकते हैं कैमरा में संजाब को दिखा रहे हैं। तो ये इस वक्त हालत है लखनऊ के नामी सरकारी अस्पतालों की, जहाँ पर अगर आग लग जाए तो इस तरह से जो फायर की
तमाम इक्विपमेंट्स हैं जिनके बटन पुश करने से या धुआं उनमें पहुंचने से फायर अलार्म बजता है, वो सारे उपकरण फेल नजर आ रहे हैं। सर, जो हॉस्पिटल्स को लेकर जो है लखनऊ में भी कई हॉस्पिटल्स नोटिस दिया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? काम चल रहा है जी, भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो उसको हम कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। निकले तो ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, और इनका कहना है कि काम चल रहा है और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसको लेकर काम चल रहा है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज।